हर बात बताऊ, हर बात मुद्दा के अपना तक पहुंचाऊ। वार्ड में का सड़क बिजली पानी के है अव्यवस्था, वह दिखाऊ। जनता जो कही वह पूर बताऊ, ना लुकवाऊ ना छुपाऊ, सब जो जनता कही वह दिखाऊ। चली तो कुल मिला के राकू के नाव लेते जय बाबा करे लागत है उधर की लाग की जय बाबा करत करत हमा माई को एक सब ढोंस दे ही। मतलब कुल मिला के ठीक है, राकू एक ऐसा युवा है जो कहो न कहो बड़े नीचे से उठ के ऊपर गा है, और वह कहो न कहो वार्ड के लोगन से मिलना जुलना उनसे भेंट मुलाकात तक ठीक है बराबर। लड़ाई कैसे है? लड़ाई है बीजेपी और राकू बाबा जी से है। कहाँ लागत केकर पलड़ा भारी रही अपना पचे व्यापारी लोग हैं तराजू के बड़ा कहा थे एग्जैक्ट आइडिया होता हो गया इधर बाबा जी का हल्ला है। जय बाबा है, जय बाबा है सब यहाँ। चलिए तो कुल मिला के अपना कहा भाई जय बाबा है, हालांकि ये थे बहुत। हाँ कहा शुभ नाम है? हमारा नाम नरेंद्र पारवानी है जी, और हम भी 5 नंबर वार्ड के निवासी हैं जी। आज वही आपको देखा यहाँ आए थे काम से, तो हमने कहा हम भी दो शब्द बोल के अपने बारे में कुछ कहें। असल में अभी आपने एक शब्द कहा कि लड़ाई किसकी है, मेरे हिसाब से लड़ाई किसी पार्षद की नहीं होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए। और हमारे ही भर नहीं, पूरे सीधी शहर में जो एक समस्या है पानी की, नाली की, और सबसे बड़ी समस्या गाड़ी खड़ी करने की, ट्रैफिक की, लाइटिंग की, कैमरे की। देखिए एक थे बघेली में अपने वचन कहावत है कि घरे के महुआ बिना न जाए और महुआ मिने बगारे जाए। तो पहले हम आपन देखा ठीक, तो हमारे वार्ड मकान ही आइए बताइए। देखिए ऐसा नहीं कि केहू जो पार्षद खड़ा रही या विधायक सांसद केहू रही तो 100% कोनो काम नहीं कराए। नहीं नहीं, हम पार्षद की बात कह रहे हैं। पार्षद अभी तक पहले हमारे जो नंठे के रहे श्रीमती कमला जी रही, कामदार जी रही, जिनके सुपुत्र आशीष कामदार जी काम करत रहे, और वह हमार कहो न कहो मित्रों लागे, पर ऐसे नहीं खड़े हैं मित्र कहलाने पर, यह है कि हम ही चाहत रहे हैं कि जो उन विकास में कमी करें। हाँ ओका आगे बढ़े खातिर हमारे उनके काम नहीं, उनकर काम का कितना नंबर देव अपना 10 में कितना नंबर? देखिए हम 10 में उनका तो हम 7.5-8 है देव, ऐसे कि भाई पूर काम क्यों नहीं कह हाँ। सके और वहाँ में कमी हुई तो उन्हें से ही कुछ कमी रह गया है, और वह कमी के पूर करे खातिर हम चाह कि ऐसे अच्छे व्यक्ति का जो जानकार हाँ दौड़े वाले हाँ सब जगह पहुँचे वाले हैं उनका वोट दी जाए। तो जो उन्हें हमारा राकू भैया हाँ हर जगह पहुँचे वाले हाँ, प्लस हर जगह मतलब वो इतना चढ़े रहा था कि भाई हमका यहाँ कहाँ दिखाई दें कहाँ उधर दिखते हैं, तो मैं हाँ कि हम पंचे राकू का देवता हूँ कहूँ ना कहूँ हम पंचे का आगे बढ़े ही। तो नहीं तो अपना का लागत का है या गुप्त मतदान है कि ओपन मतदान? मतदान तो गुप्त है मगर अपना गुप्त खोल दी है माहौल। देखिए कह रहा था ना कि कहो ना कहो कुछ ना कुछ समर्थन में खड़े हो चाहिए। नहीं समर्थन नहीं, हम तो अपना से यह चाहते कि ये थे भाजपा और कांग्रेस के का सीधी लड़ाई है या फिर तीसरा आदमी की एंट्री है? काहे नहीं आए हमारे वार्ड में रानू भैया हैं टेलीफोन पे, वह अच्छे खासे खड़े हैं, और कम कैंडिडेट के प्रफुल्ल ठारवानी हैं वह खड़े हैं, उन्होंने अच्छी खासी अपने 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 एरिया में अच्छा अच्छा वो काम करी नहीं, अलग अलग तरीके से सबसे मिली नहीं जुली नहीं, हर के उसे कम नहीं आए। पर जहाँ जो आवत थी बात विकास के, जहाँ जो बात आवत थी आगे कौन तरक्की हो सकत है, तवन तो हम यह कह सबसे जनता से यह कह कि उनका वोट दें जो आगे तरीके से खड़े हो सकें। मतलब हम क्योंकि नाम न ले चाहूँ पर यह जरूर बोलब कि भाई जनता समझदार है, और यह सोच के न दें कि भाई कोई चिन्ह है कोई चिन्ह नहीं आए। कबो कबो आदमी का कहा था ना कि जब नीचे से ऊपर जाए वाला तरक्की कह सकता है, तो वहाँ हमारे वार्ड के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो उनकी आगे बढ़ सका था, तो हम वह बात पे बीच में आए कि भाई एंड लड़ाई विकास के हो चाहिए, जो उन्हें कमी है जो कमी पानी के समस्या बताई लगे। पानी नाली और बाथरूम ये तीन जो उन बेसिक समस्याएं हैं। तो ये बताइए नहीं जैसा अभी अपना कहन विधायकों के बात करें सांसदों के बात करें, हालांकि बात तो ऐसा हो चाहिए पार्षद भर के, मगर विधायक का हमें से बीच में ले ही थे कहे कि एड्स के बिल्कुल करीबी है जी बिल्कुल ठीक है, और लगभग पहले बे के विधायक तो हुई ना 3-4 बे के विधायक है, काफी लंबे समय से विकासों करे में आगे हैं, सब कुछ ठीक है, बस जो अपना कही अपना कह जो कहे चाहे हम समझ गए अपना का कहे चाहे लान कि उनका योगदान कितना है। नहीं योगदान नहीं, जो ये समस्या है वो माँ उनकर यदि कहे नजर नहीं जाए। देखिए यह हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है क्योंकि हम दूसरे का के ऊपर न थोप का है कि अपना जानित है कि कहो की जनता हो, हर मेर के हर जनता के रहन सहन एक मेर के नहीं हुए। कुछ लोग के होता कि गंदगी साफ पसंद नहीं आए क्योंकि पस कहू का लागत है कि हमारे घर भर निकाह रहे, घर के बगल में भले कचरा पड़ा रहे,
हम जो उन्हें वार्ड के निवासी यहाँ हैं, हम खुद देखे थे कि हमारे पड़ोसी यहाँ ही थे, बगल बगल हम समझाई थे कि कचरा तू डस्टबिन में फेंका, नाली में ना फेंका, जो उन बड़े कचरा है उनका ना डारा था। एमा जो कर्मचारी हैं वो तो बेचारे दूसरे दूसरे नाली साफ करा था, लेकिन जब फेंके वाले ना सुधरी तो कैसे के मानव तो एमा कहो ना कहो जनता खुद जब जागरूक। एक बड़ी समस्याएं थे ही, लगभग कितने व्यापारी हुई ये गल्ला मंडी में? ये लगभग हमारे ख्याल से पूरी गल्ला मंडी में 150 तक व्यापारी। हाँ जी, 150 व्यापारी है और लगभग रोज 1,000-1,500 लोग यहाँ आउता जावत होते हैं। ये बताइए प्रसाधन जो एक कैसा व्यवस्था हुआ है जो खीतिर स्वच्छ भारत खीतिर मोदी जी बिल्कुल सलगा जीव लगा दी ठीक है। देखिए अपना का हम लास्ट में वीडियो दिखे रहे हैं खे के, जो अपना के खे दर्शक कह रहे हैं कि भाई वो बाथरूम बनाए पर केहू के दुकान के बगल में ना बनाए, केहू के घरे के बगल में ना बनाए। तो देखिए यहू में जनता परेशान है, जैसे मान ले हम बोलें अप्लीकेशन देहन कि बाथरूम बनवावा, अब मान ले भाई साहब के बगल में दुख सरकार सोचे कि इनके बाथरूम बनाए दी पर वो कहे लागे कि नहीं हमारे बगल में गंदगी हुई। अब देखिए बाथरूम कहाँ बनी तो दिन भर आदमी यूरिन करी, थोड़ा बहुत गंदगी हो पे करी, जनता के समर्थन नहीं रहे तो क्या करें हम उसके बारे में? कुछ ऐसा देखिए अब सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हैं, बड़े बड़े मॉल में यह सब व्यवस्था होती है। अब अपना तो देखते लागन पाछे के जो ये टोरे हैं पूरी कैमरा दिखाई दी हाँ। इमर लगभग कई एक साल से सोच विचार चल रहा है पर कहो न कहो नीचे से लेके ऊपर तक कोनो न कोनो व्यवधान हुई तबे वो काम पूरा नहीं पावा है। कहे ना विचार बनाओ, जब हम लास्ट टाइम पे आंसू भैया से बात करे रहे तो वो कह रहे हैं कि भैया प्रोजेक्ट तो बहुत सारा निकाल के लई थे पर कहो ना कहो फिर जनता समर्थन नहीं करे, क्योंकि बोले थे तो वो कहा था हम एक ए पार्टी के हैं तो काम ना हो, कहो कही हम वो पार्टी के हैं तो काम ना हो, मतलब कौन कौन समस्या के चलते काम रुक जाता है। बाकी जनता जागरूक नहीं करे, वो यह नहीं सोचे कि भाई तरक्की नहीं देखा जाए, वो केवल ये सोचा था कि भाई हम यह कहें तो हमारे। अब ये बताइए लड़ाई के बीच अब यह अपना के सवाल जो है तो देखिए लड़ाई तो सब कैंडिडेट अपने का माहिर कहा लागे मगर माहौल पब्लिक पा रही है ना? माहौल तो देखिए कि हर वार्ड में अलग अलग है, तीन जने के नाम अच्छा खासा सुनाई दे लागे है। हाँ। जौने में हमारे आनंद परियानी जी के आई, वो हमारे मित्र आई दुकानदार आई और कमल से खड़े हैं, दूसरा राकू भैया आई जो उन सेफ से खड़े हैं, तीसरा टेलीफोन चिन्ह से रानू भैया खड़े हैं। तीनों जने का टक्कर काफ़ी अच्छी है और हम कह कि एक ही चीज़ संदेश हम अपने के जरिए दे चाहते हैं तीनों पार्षद का या जितने भर पार्षद खड़े हैं, एक ही संदेश हमारा यह है कि देखिए अबे अपना कैमरा वह पंचे देखा तो अपना के माध्यम से पर उनका यह ना लगा कि जैसा हम बोल दें कि सेब हमारे नज़दीक है या कमल हमारे नज़दीक है या फिर टेलीफोन नज़दीक है तो पार्षद चाहे क्यों जीते पर उसके बाद वो जनता के कर हो जाए उनकर हो जाए तो वो पक्षपात ना करा कि भाई मान ले कि गल्ला मंडी वाले रानू राखू भैया का दिन तो वो हमार वोटर ना ही तो उनका हम तरक्की ना करब या मान ले कि बीजेपी वाले ही सोचा मतलब पक्षपात ना करा हम ई चाहे लागन बाकी जीते क्यों हम पक्ष तो चाहब कि विकास के जीत। नहीं नहीं ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मतलब यह मतदान गुप्त होता है और मतदान गुप्त होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि शपथ लेते जितने जनप्रतिनिधि होते हैं इनका शपथ दिलवाई जाती कि हम बिना राग द्वेष भावना बिना पक्षपात के जो है शपथ ले थे कि सबके विकास के काम करम तो में यह नियम होता है कि भाई जीते के बाद फिर यह नहीं देखा जाए कि दीज के नहीं दी और यह कहो न कहो पैमाना न हो चाहिए जौने से चीज आई तो कह के नियरे भर आई ऐसा है कि दान मतदान है आदमी अपने मन से देता है क्योंकि कितना कोशिश करे लेकिन यह वार्ड पार्षद जब मैंने चुना था तो वह एक खे सेवक चुना था एमा जे योग्य हो अच्छा मतलब काम करे जनता के समस्या का रात या आधी रात ओखा वोट करे चाहिए एमा अपना से मताई व्यक्ति विशेष राकू जौन है राकू समाज सेवा में हमेशा करा थे ओका पार्षद बनना चाहिए ओका समर्थन करना चाहिए लोगन का आगे पार्टी छोड़ या बताइए लॉकडाउन के दौरान लोगन से हमारा चर्चा भय तो कहीं राकू आवर रहे सही बात जी है। जी हम आंख से देखे मैं तो अनाउंसर हूँ आप जानते भी अनाउंस करता हूँ मेरे फील्ड तक मेरी अभाग है कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। गुरुद्वारा में दिन भर बैठ के खाना बनवावत रहे और पैकेट बनाए बनाए सीधी के हम पंचे खुदे कार्यकर्ता रहे वो समय पे अपन स्कूटी लेके वो पेट्रोल भरा के पैसा देते रहे कि टंकी फुल करवावा जहाँ मन चले तहाँ जा के वो अगर गरीब दिखे तो रोटी दूठी रो दे दे अपन नहीं अपना से माँ के कनिक से भाई आप दे दीजिए मतलब 50-50 100 युवा खाना व्यवस्था हरिजन बस्ती में हमका बचेन का असलम तहूँ देवे कुछ हमका हमारा रिकॉर्डिंग बंद है दुई साल से लाला हमें लगे नहीं है कहीं कुछ तोरे घरे नहीं है 500 तक सबसे चंदा कह के वह गरीब जनता की सेवा करे ये चौखा जीते चाहिए हम सबका
पार्टी लेवल छोड़ दीजिए, कौन कांग्रेस का है कौन बीजेपी का है, पार्टी के नहीं देखा चाहिए। राकू हाई पार्षद लाइक हकदार है, ओका जनता का समर्थन मिला है, काफ़ी ज़्यादा वोट वो जीती। एम पार्टी चुनाव नहीं सेवक चुनाव होल है। कनिक तिवारी को हम अपना का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपना पूरे चौपाल में अपना के सब देखा, बहुत सराहत अपनों का पूरे अपना बिंद क्षेत्र में। कनिक तिवारी जैसा पत्रकार को नहीं निर्दल हमारा और राकू दोनों के लागत समर्थक मिल गए इकट्ठा। चलिए का शुभ नाम है अपना? साहिल आहूजा। साहिल भाई, साहिल भाई क्या है वार्ड की स्थिति? क्या है वार्ड की स्थिति? अभी तो सही नहीं है, यहाँ काम संतुष्ट नहीं है। नहीं। कितना नंबर देव अपना पुरान पार्षद? 7 नंबर। ना यार कहूँ मैं तो 7 में है, तब कितना दे चाहते हैं? नहीं यार 2 हो जाए। हाँ एक 2 होते कि 0 होते है? नाली की समस्या है मैम, मात्र नाली है, पानी है। सड़क ठीक है? सड़क तो सही है, सड़क ठीक है। हाँ काम हुआ है? काम हुआ है। ऐसा नहीं कह सकी काम नहीं करी सर सामने वाले? नहीं काम किए हैं, यहाँ की रोडें उन्होंने ही बनवाई हैं पार्षद ही में। नहीं था अब कौन पार्षद रहे, कौन पार्टी से रहे जैसे पहले रहे? कांग्रेस से। कांग्रेस से जी। उनका 7 नंबर दे लाए अपना? जी 7 नंबर है ना। अब कहा है कि कौन कौन चिन्ह जानी थे अपना? राकू कामदार जी हैं सेव में, और आनंद परियानी है बीजेपी में, और रानू भैया रोहित जायसवाल उनका चुनाव चिन्ह टेलीफोन है। कहा लागत है कि लड़ाई के बीच? लड़ाई यही 3 कैंडिडेट के बीच में है जी। चौथे की एंट्री ना हुई? चौथे की एंट्री अभी नहीं हो पाई, तो चुनाव के बाद हुई? चुनाव के बाद। हाँ जी। चलिए तो कुल मिला के अबे अब 3 के बीच फंसा पेंच है, और ये पेंच जो है खुलेआम अपना यही ना पहले आओ पहले पाओ वाला काम करिए आह्वान का कि या मैं करत कर नवाब साहब गाड़ी चली गई। हाँ का शुभ नाम है अपना? सनी गुप्ता। सनी भाई, सनी भाई का है अपना कि वार्ड के व्यवस्था संतुष्ट है खुश है? संतुष्ट नहीं पर ठीक है, माने कह सके थे कि माने 10 में 7 ठीक है। यह है कि आने वाली जो पार्टी आती है जो तो शायद 10 में 10 हो जाएगा। अच्छा बिल्कुल। तो क्या लगा था लड़ाई के बीच में ही अब ये बीजेपी और कांग्रेस सेव और तुम्हारा कमल बस है ना? तो अपना का ही ऐसा लागत है कि बीजेपी और कांग्रेस के? देखिए ऐसा है, आप भी जानते हैं कि पार्टी बड़ी है और समर्थन ज़्यादा है, समर्थन बड़ा है, तो हम चाहते हैं कि भाई देखिए ऐसा कैंडिडेट जीते जिसका सब सुने, जिसकी भोपाल में सुनी जाए, जिसकी प्रदेश में सुनी जाए, जिसकी जिला अध्यक्ष में सुनी जाए। तो ऐसा कुछ कैंडिडेट चुनना चाहिए जो हमारे विकास कर सके हमारे मोहल्ले में हमारे वार्ड में, तो ऐसा आदमी पार्टी चुनना चाहिए। हम कहते हैं निर्दलीय को अब दे भी दिए किसी काम का मतलब काम नहीं हुआ पाए तो मतलब अपना कल आगे थे लड़ाई सिर्फ 2 में है? लड़ाई तो सब लड़ रहे हैं। नहीं नहीं मतलब मेन आज कहे कि अब 1-2 रोज बाद वोटिंग हुई तो मतलब यह एक कहा जाए कि यह माना जाए कि मतलब लड़ाई भाजपा और कांग्रेस है? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए कहीं कहीं अपना निर्दलीय भी निकाल लेते हैं, अपनी अपनी क्या होती है साख होती है महत्व होती है अपने इंसान नहीं अपना फायदा बताया ना पार्टी में वोट देके कि यहाँ से लेके भोपाल तक आवाज जी। ये भी सही है। हाँ जी अरे तो अपने बताया ना हम थोड़ा सही ना बताया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम। तो कहने का मतलब ये देखिए अब कह नहीं सकते भैया कि कौन जीतेगा। हाँ। बाकी ये चाहते हैं हम भी कि भाई बड़ी पार्टी का योगदान हो ताकि हम भी चाहें कि भाई जीत हो तो हमारा काम बने। देखिए हमको अपने विकास से मतलब है। हमें ये मतलब नहीं भाई कांग्रेस जीते बीजेपी जीते निर्दलीय जीते, बस मुझे अपने विकास चाहिए, मुझे अपना सुरक्षा चाहिए, बस ये है महत्व। सुरक्षा है वार्ड में भैया? अभी व्यापारी सुरक्षित है? अब देखिए भैया ऐसा है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 10 में 7, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। नहीं तो व्यापारी सुरक्षित है या असुरक्षित? अभी तो फिलहाल ठीक है भैया, बस मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और हो सुधार हो। अब ये भी कह सकते हैं कि सुरक्षित है पर मैं चाहता हूँ और सुरक्षित हो। सीधी के अभी कल हम वार्ड नंबर 17 में कल या परसों रहन जी, तो वहाँ एक चीज़ 2 व्यापारी के नाम आवा कोनो फल वाले के साथ मारपीट भर रही, बिल्कुल सीसीटीवी वायरल भरा, तो एक सुनील भुरतिया कहीं के कोनो बैटरी वाले हैं उन्हों के साथ मारपीट भर रही वो वीडियो वायरल भरा, दोनों दिखे रहे इनका अपना? बिल्कुल देखे थे हम। व्यापारी वह वीडियो या फिर ये में क्रिश्चियन से डरा है डरा थे या फिर कुछ है? बहुत ज़्यादा डरा है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डरा है। तो क्या लागत सुरक्षित है व्यापारी? बताया मैं आपको असुरक्षित भी नहीं है पर सुरक्षित भी नहीं है, कह सकते हैं कि भाई अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कितना है, कई परसेंट सुरक्षित? 10 में 7 सुरक्षित है जी बिल्कुल, और 3 असुरक्षित है बिल्कुल जब में हालात जी बिल्कुल। चलिए तो कुल मिला के हम हैं वह जगह हमारा जहाँ अपना का सबके पोस्टर दिखाए जी, हालांकि पोस्टर या बताए देते
काहे कि पोस्टर लोग फाड़ी उड़ा रहे थे, बहुत फाड़ थे, एक दूसरे के फाड़ डाल रहे थे, और ऐसे फाड़ थे कि जब उन्हें ना देख पावे। हालांकि अपना आँखी के वो मुँह दिले तो कहा सुबेर न हुई, मगर ठीक है ऐठे अपना देखी राकू कामदार, आनंद कुमार पिरयानी और रोहित जायसवाल, ये तीन जने के लगा है। तो मतलब समझ सकी थे कि यहाँ 500 वोट हैं, इन्हें इर्द गिर्द रही। अब के लगे कितना वोट जाई हुआ था मतगणना के बाद पता चल पाई। तो ये हाल है, और हाल पूरी तरह से बेहाल नहीं है। कहे कि यहाँ लोगन के द्वारा 10 में 7, 8, 10 ऐसा कह के नंबर देंगे। तो मतलब अपना ये मोहल्ला की हालत समझ सकी थे कि कांग्रेस के जो यहाँ पूर्व पार्षद रहे उनका कहाँ ना कहाँ बेहतरी की बात कही जाने लगी कि उनके द्वारा मेहनत कीन गए, हालांकि कुछ जनता के समर्थन नहीं मिला, ऐसे कुछ बड़ा काम नहीं हो पावा। अब फिर से कोनो एक बेहतरीन उम्मीदवार का वोट दे ओके बाद जाए के कहो न कहो फिर से वार्ड के विकास हुई। तो उम्मीद पर दुनिया टिकी है, हमहूँ टिके हैं, अपनों टिके हैं। अब इंतजार हुआ 13 तारीख के कि जब वोट पर जाए और 20 का गिनती हुई तो ऐसा सबके पता चल जाए कि कितना पानी में है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।